काशीपुर, ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति बाइक समेत 8 फुट गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने युवक को साकुशल पानी से बाहर निकाल लिया है। इसे ठेकेदार की लापरवाही कहेंगे या प्रशासन की लापरवाही, जहां एक युवक की जान जा सकती थी। बता दें कि सड़क निर्माण के लिए खोदे गए 200 मीटर लंबे गड्ढे में भरे पानी में युवक गिर गया था। गनीमत रही कि दुकानदारों ने युवक को बाइक समेत पानी में गिरते देख लिया था, जिसे आसपास के दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर युवक को पानी से निकाल लिया है। सड़क में बने गड्ढे में गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ का जमावड़ा लग गया। क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सूचना पर पहुंचे महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने स्थानीय प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायक को घटना स्थल पर बुलाया और तत्काल गड्ढे की 4 दीवारी कराए जाने की मांग की है। उधरवादी पूरी बिना बैरिकेडिंग है, जिसके सामने भी सारे के सारे लोग खड़े रहते हैं। खुदा हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, जो पुल के लिए खुदा गया है, 5 बजे से पानी इसमें भर रहा है। पानी भरने के बाद कोई इसको देखने वाला नहीं है। एक आदमी मोटरसाइकिल समेत इसके अंदर डूब गया, बड़ी मुश्किल से आदमी को निकाला। मोटरसाइकिल अभी भी इसके अंदर बंद हो गई है और ये पूरा का पूरा एरिया खुला हुआ है। कोई भी डूब सकता है, भर सकता है, लेकिन किसी को भी शासन प्रशासन को होश नहीं है कि आखिर पानी हो क्या। इसकी गहराई कितनी होगी लगभग? सारे जल के आराम से इसकी गहराई कितनी होगी लगभग? हम काशीपुर की सरकार 5 साल से ये पुल बना रही है, लेकिन आज तक ये पुल बन के नहीं दिया। और बड़े बड़े शहरों में रातों रात ये पुल बन के तैयार हो जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं काशीपुर की सरकार दो पैसे की नहीं रही। काशीपुर की सरकार और काशीपुर के विधायक चीमा जी के साथ हम बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है उनके साथ। आज हमारे भाई के साथ ये दुर्घटना हो सकती थी, मोहित के साथ यहाँ रातों रात लोग निपट सकते हैं, कार की कार डूब जाएगी, इतना गहरा गड्ढा है सर।